Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Okay, so far we have covered the 8th presupposition और 1 to 8th presupposition हमने NLP की cover कर ली हुई है और आज हमारी 9th presupposition है. इससे पहले I would like to request you कि please share your feedback with us so that we come to know कि आप कितना presupposition को समझ पा रहे हैं. ठीक है, comment section में आपने बताना है, अपना feedback लाजमी share करना है कि 1 to 8th presupposition आपने cover कर ली हैं, उनको किस तरह से आपने समझा है, किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई किया है. बिकॉज जो जितनी भी प्रीसपोजिशन है ये आपको किसी ना किसी लाइफ इवेंट में, लाइफ के सर्कमस्टांसिस में, लाइफ सिचुएशंस में काम आएंगी, या फिर आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये आपको मदद देंगी. तो हमने प्रीसपोजिशन को एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से हम कौन सी प्रीसपोजिशन को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उसके क्या नतज हमें मिल सकते हैं. तो ये सारी प्रीसपोजिशन को जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इनका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, या ये किसी काम की नहीं है फिर. यानी NLP जो है वो आपके लिए कोई काम नहीं देगी. शुरू से ही हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि NLP जो है वो NLP का फ़ायदा किन लोगों को होता है. तो NLP सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा देगी जो कि उसको अप्लाई करेंगे, जो इम्प्लीमेंटेशन में इसको लेके आएंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को इसके रिजल्ट्स मिलेंगे. तो अगर आपको ये सारी प्रीसपोजिशन अच्छी लग रही हैं जो कि एक्चुअली में कमाल की हैं, तो अगर ये सारी प्रीसपोजिशन आप कहीं ना कहीं पर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको इनके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, नतज मिलते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं. ये लाइफ चेंजिंग प्रीसपोजिशन हैं ये. तो आपने बताना है कि आपने कौन सी प्रीसपोजिशन को कहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है, और क्या नतज मिले हैं आपको इनके, और किस तरह से ये आपके काम आ रही हैं या फिर आपको मदद दे रही हैं. तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या फिर ये एफ़र्ट्स अच्छी लग रही हैं हमारी, तो अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ, सो दैट कि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहें और बाकायदा आपको एक वीडियोज़ जो हैं उनकी अपडेट मिलती रहे कि ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, अब आप उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, एंड काइंडली शेयर दिस वीडियोज़ विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल कि जो कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, जैसे कि आज हमारे रिसोर्सेज पे बात होने वाली है. तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी को या इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें और कुछ ना कुछ जो है वो लर्न कर सकें अबाउट NLP. तो आज की जो हमारी प्रीसपोजिशन है, 9th प्रीसपोजिशन है वो, और उस वो भी ये एक कमाल की प्रीसपोजिशन है. इसमें हम रिसोर्सेज पे बात करने वाले हैं. एज़ यू सी के इसमें लिखा हुआ है कि जो रिसोर्सेज हैं एक इंसान को चाहिए होते हैं, जो ज़राए एक इंसान को चाहिए होते हैं ख़ुद में तब्दीली लाने के लिए, तो वो कहाँ से आते हैं, और यानी एक इंसान को कामयाब होने के लिए, तब्दील होने के लिए किन ज़राए की ज़रूरत होती है और वो ज़राए कहाँ से उसको मिल सकते हैं. तो जैसे कि आप रीड कर सकते हैं स्क्रीन पे कि रिसोर्सेज जो एक इंसान को चाहिए होते हैं चेंज लाने के लिए, दे आर ऑलरेडी विद इन देम, यानी वो पहले से ही उसके अंदर मौजूद होते हैं. ठीक है, यानी इस चीज़ को आपने इस तरह देखना है, जैसे फ़र्ज़ करें कि एक इंसान है वो कहता है कि वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें एतमाद नहीं है, तो अब आप बताएं क्या एतमाद बाहर से आएगा. एतमाद ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान के अंदर होती है, बस इंसान ने उसको दरियाफ्त करना होता है. ठीक है, अगर वो सिचुएशंस में जाएगा जिसमें वो ख़ुद को एक्सपोज करेगा, एक्सपीरियंस हासिल करेगा, देन उसके बाद उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी इम्प्रूव हो सकता है. ठीक है, तो ये है कि एक इंसान को तब्दीली के लिए जो भी ज़राए चाहिए होते हैं वो पहले से ही उसके अंदर मौजूद होते हैं. यानी फ़र्ज़ करें कि आप NLP की मदद से ख़ुद में बदलाव लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज़िंदगी के नताइज पहले से ज़्यादा अच्छे और उम्दा हों ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, तो आपको उनके लिए क्या करना होगा, आपने उनके लिए जो है वो ज़राए ख़ुद में दरियाफ्त करने हैं. ठीक है, यानी ये सारे ज़राए जो हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, वो सारे अनटैप्ड होते हैं, मुंजमद होते हैं, ख़ुद में कहीं ना कहीं छुपे होते हैं वो. ठीक है, तो उनको आपने दरियाफ्त करना है उन ज़राए को, और जब वो आपके शऊर में आ जाएंगे तब वो आपको काम देंगे.
ठीक है। तो जो ज़राए जो एक इंसान को कामयाब होने के लिए चाहिए होते हैं वो उसके अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं, जिसे हम इंटरनल रिसोर्सेज कहते हैं। तो जो इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं दैट मैटर्स अ लॉट, और उसी पे ही आपको ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे आप रिलाई करें कि जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं वही आपको काम आएंगे और वो होंगे तब आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपसे कुछ नहीं होगा और लाइफ जो है वो आपकी टोटली फ्लॉप है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनको पॉलिश करें, डिस्कवर करें, एंड देन यू विल हैव अ न्यू लाइफ। और NLP से पहले आप कहते हैं कि मैं इसलिए नाकाम हूँ क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, जबकि NLP सीखने के बाद आप कहते हैं कि मेरे अंदर हर किस्म का टैलेंट मौजूद है, आपने जस्ट उसको दरियाफ्त करना है, डिस्कवर करना है, एंड देन यू विल हैव अ वेरी परफेक्ट लाइफ। अगर आप इन प्रीसपोजिशन को अप्लाई करते हैं देन ये आपके लिए काम आएंगी, आपको फ़ायदा देंगी और आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है। तो इसी तरह की बाकी जो प्रीसपोजिशन है वो भी हम डिस्कवर करेंगे और उसका भी जो है वो हम फ़ायदा हासिल करेंगे या उसको भी यूटिलाइज़ करेंगे अपनी लाइफ में। टिल देन टेक केयर एंड डू शेयर दिस वीडियोज़ विद अदर स्टूडेंट्स।